आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं, टिकटॉक में काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह के ट्रांजेक्शन इफेक्ट प्लस स्लो मोशन वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 2 से 3 वीडियो शूट कर लेना है अलग अलग पार्ट में। मैंने यहाँ पे वीडियो 2 से 3 वीडियो शूट किया हूँ 4 से 5 सेकेंड का। तो आपको भी कुछ इस तरह से वीडियो शूट कर लेना है। वीडियो जब भी आप शूट करेंगे तो आपको बैकग्राउंड में पेड़ पौधा ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का लिंक और काइन मास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे रखे हैं, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल पे होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे है, वीडियो को सिंपल आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर वीडियो को डाउनलोड कर लिया हूँ और वीडियो को सेलेक्ट भी कर लिया हूँ। इसके बाद आपको करना क्या है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचे के निशान पर क्लिक करेंगे, स्ट्रैक्ट आइडियो कर देंगे। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी हमारा आइडियो है वो आपका बाहर आ जाएंगे। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है और आपको यहाँ पे 1.0 पे आना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैंचे के निशान पे क्लिक करना है और स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। वीडियो आपका यहाँ पर देख सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। इसके बाद वीडियो को फिर से हमें आगे की तरफ लेकर आना है। इसके बाद आपको 10.5 पे आना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैंचे के निशान पर क्लिक करना है और फिर से हमें यहाँ पर स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। इसके बाद फिर से हमें वीडियो को कुछ इस तरह से आगे की तरफ कर देना है और देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचे के निशान पे क्लिक करेंगे, स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। फिर से वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है हमें, 14.6 पे आना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचे के निशान पे क्लिक करेंगे और स्पीड 2 प्ले हिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने जगह पर स्पीड 2 प्ले हिट किया हूँ, 1, 2, 3, 4, तो 4 जगह आपको स्पीड 2 प्ले हिट करना है। और यहाँ पर आपको 4 वीडियो आपको लेकर आना है, फर्स्ट वीडियो आपका खुद यहाँ पर आएगा, सेकेंड वीडियो आपका कुछ यहाँ पे आ जाएगा और थर्ड वीडियो आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 3 वीडियो आपको यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वाले वीडियो हमें 1 सेकेंड का चाहिए, इस वीडियो को पहले हम डिलीट करते हैं। तो मीडिया पे आते हैं और यहाँ पे वीडियो जो आपने शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सबसे पहले मैं जो वीडियो शूट किया हूँ उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ 1 सेकेंड का वीडियो चाहिए, तो हमारे वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को हमें रिमूव करना है। तो आपको वीडियो को 1 से 2 बार प्ले कर देख लेना है। तो मैं सिंपल आपको मैं दिखा देता हूँ हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपल आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचे के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे। और यहाँ पर हमें स्लो मोशन वीडियो चाहिए तो यहाँ पर हम सिंपल स्लो मोशन भी कर सकते हैं। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पर आएंगे और यहाँ पर आपको 0.5 कर देना है, ये वीडियो आपका स्लो मो में हो जाएंगे। इसके बाद 1 सेकेंड तक आपको वीडियो चाहिए तो 0.1 तक रहने देता हूँ। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचे के निशान पर क्लिक करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट जो है राइट साइड का एक्स्ट्रा पार्ट को मैं ट्रिम टू राइट भी कर सकते हैं या फिर स्पीड 2 प्ले हिट कर देंगे। स्पीड 2 प्ले हिट इसलिए कर दिया मैंने क्योंकि तो हमारा जो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट का वीडियो जो शूट हुआ है इसी में है एक साथ, इसलिए मैंने कर दिया। अगर आपका वीडियो अलग से शूट हुआ है तो आप ट्रिम टू राइट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना, इस आइडियो को प्रेस करके रखना है, इसे आपको कुछ इस तरह से लास्ट तक लेकर आ जाना है। इसके बाद सेकेंड वाले वीडियो को आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरह से प्रेस करना है और इसे उठा कर आपको यहाँ पर आपको लेकर आ जाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कुछ इस तरह से वीडियो आया और सेकेंड वाला वीडियो स्टार्ट हो चुका है और थर्ड वाला वीडियो फिर से आपका यहाँ पे आ चुका है। तो थर्ड वाला वीडियो देखना आपको कहाँ से रखना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे। लेफ्ट साइड का पार्ट हमारा एक्स्ट्रा था तो मैं यहाँ पर फिर से वीडियो को कुछ आगे की तरफ लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आपको वीडियो देखना है कितने सेकेंड तक रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको 2 सेकेंड के आसपास वीडियो रहने देता हूँ। तो वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग के निशान पर क्लिक करेंगे और स्पीड 2 प्ले हिट कर देंगे। वीडियो हमारा देख सकते हैं फर्स्ट कुछ इस तरह से, सेकेंड कुछ इस तरह से, थर्ड कुछ इस तरह से। फिर से हमें इस पार्ट को उठाना है और यहाँ से लेकर आना है, लास्ट में हमें लेकर आ जाना है कुछ इस तरह से। और इस पार्ट में जो ए वाले वीडियो जो है देख सकते हैं जो लड़के का, इस वीडियो को हमें डिलीट कर देते हैं, सिंपल वीडियो पर क्लिक करेंगे इसे डिलीट कर देना है। अतः आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो ए वाले वीडियो डिलीट करते हैं और इस वीडियो पर आपका वीडियो लेकर आ जाना है। लास्ट का पार्ट देखना आपको कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे। लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा था वो आपका रिमूव हो चुका है। इसके बाद राइट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टूल राइट कर देना है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो कुछ इस तरह से,
सेकेंड यहाँ पे हो गया, थर्ड कुछ इस तरह से हो चुका है, फोर्थ नंबर कुछ इस तरह से आएगा और फाइव नंबर कुछ इस तरह से, यानी कि तीन वीडियो आपका यहाँ पे लग चुका है और यहाँ पे वीडियो हमारा पूरी तरह से तैयार भी हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो वीडियो है, वीडियो में जितने भी ओरिजिनल साउंड है, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। तो मैं ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर दिया हूँ। म्यूट करने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, लास्ट में हमारा साउंड जो होता है स्लो हो जाता है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप चाहे तो ट्रांजेक्शन इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, तब तो आप फर्स्ट वाले में ट्रांजेक्शन इफेक्ट मत ऐड कीजिएगा। इसके बाद सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड पे आना है और यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो एक्सीलेशन में आना है और यहाँ पे आप स्पीड इन या फिर स्पीड आउट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद थर्ड पे आना है और यहाँ पे आपको फिर से आते हैं एक्सीलेशन पे और यहाँ पे आपको स्पीड लेफ्ट या फिर स्पीड राइट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट आपको कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको स्पीड लेफ्ट कर देता हूँ। इसके बाद लास्ट पे आता हूँ और यहाँ पे आपको फिर से एक्सीलेशन पे आते हैं और यहाँ पे आपको स्पीड राइट कर देता हूँ। आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो आपको मैं एक बार वीडियो को प्ले कर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस ऑडियो को साउंड को म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि इस सॉन्ग को मैं प्ले करूँगा ओरिजिनल सॉन्ग के साथ तो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो जैसा कि आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है और ये वीडियो टिकटॉक पे फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यदि आप इस टाइप के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। जैसा कि वीडियो आप देख सकते हैं, आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे फाइनली। इसके बाद क्या करना है, और यदि आपको वीडियो में स्लो मो करना है तो सिंपल आपको स्पीड कंट्रोल पे आने के बाद 0.5 कर देना है, क्योंकि मैंने एक साथ ही सारा वीडियो को स्लो मोशन में कर दिया हूँ। लेकिन आपने अलग अलग पार्ट में वीडियो शूट कर रखे होंगे तो अलग अलग पार्ट में आपको स्लो मोशन करना होगा, और एक्स्ट्रा पार्ट को, यदि लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो ट्रिम टू लेफ्ट करना है और राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो ट्रिम टू राइट करना है। इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को भी आपको रिमूव कर देना है। लास्ट में आपको शेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और आपका वीडियो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलून चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट।